तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू ऐड वाटर एक्रॉस डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड पे अगर वाटर की एडिशन करनी है। सपोज करो ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर हमें वाटर एडिशन करना है, ठीक है। तो वाटर एडिशन देखो, एक साइड OH लग जाएगा और दूसरी साइड H लग जाएगा। तो दो रिएजेंट है जिनकी हेल्प से ये हम करते हैं। एक रिएजेंट तो होता है बोरेन्स, ठीक है, बोरेन्स, और दूसरा होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ये दो मेथड है हमारे पास वाटर को ऐड करने के। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखो इसके लिए तो हम यूज़ करते हैं BH3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये रिएजेंट यूज होता है, और इसके अंदर क्या यूज होता है, HgOH2 विद सम रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। नॉर्मली NaBH4 का हम लोग यूज करते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, देखो यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो OH ऐड होगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे ऐड होगा, और यहाँ पे क्या होगा, जो OH होगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे ऐड होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि H और OH जो दोनों होंगे एक दूसरे के सिन होंगे, और यहाँ पे H और OH जो न्यू ऐड हुए हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के एंटी होंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट में हम ऐसे बता सकते हैं कि सपोज करो हमारे पास यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे CH3 है, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया BH3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, ठीक है, OH नेगेटिव। तो यहाँ पे जो ऐड होगा, देखो तो हमने क्या कहा था कि बोरेन्स क्या करेंगे, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे OH लगाएंगे। तो यहाँ पे सपोज करो OH आ गया, तो H और OH दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सिन होंगे, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। और सपोज करो इसी के अंदर हमने डाल दिया HgOH2 इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4, लास्ट में NaBH4 डालते हैं, एकदम से नहीं डालते, ठीक है, बाद में डालते हैं लास्ट स्टेप में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे सपोज करो ये अबोधी प्लेन ही है CH3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज कि मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे OH ऐड होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे OH ऐड होगा, और H और OH दोनों क्या होंगे, एंटी होंगे। तो जो हमने H यहाँ पे सपोज करो NaBD4 हम यूज कर दें, तो जो ड्यूटीरियम है वो अबोधी प्लेन आएगा, क्योंकि यहाँ पे OH बिलो दी प्लेन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आपको ध्यान रखनी है, बोरेन्स के रिएक्शंस कि मैकेनिज्म में क्या होता है। देखो मैकेनिज्म में शुरू में ये जो आपके पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे BH3 आता है, और उसके बाद यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला इंटरमीडिएट बन जाता है। यहाँ पे H जुड़ गया और यहाँ पे BH2 जुड़ गया। आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, R CH2 B, ठीक है, ऐसे मैंने दिखा दिया। सपोज करो यहाँ पे तीनों के तीन हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई, ये आर ग्रुप लग गए। तो इसके अंदर अगर आप H2O2 और OH नेगेटिव ये ऐड करते हो बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन परोक्साइड, तो यहाँ पे तो OH लग जाएगा, ठीक है, एल्कोहल बन जाएगा। अगर आप ऐड करते हो एसिड लाइक कार्बोजिलिक एसिड CH3CO OH, ये ऐड कर दोगे तो यहाँ पे एच लग जाएगा, एल्केन बन जाएगा। और अगर यहाँ पे आप ऐड कर दोगे हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, तो यहाँ पे हेलोजन लग जाएगा। और अगर आप यहाँ पे ऐड कर देते हो सिल्वर नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहाँ पे डाइमराइजेशन हो जाएगी। देखो यहाँ पे डाइमराइजेशन हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर आप इसके अंदर ऐड कर देते हो अमोनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे अमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं ये भी, इनको भी ध्यान रखना है। मेनली ये वाली या फिर ये वाली यूज होती है, ठीक है, ये वाली कम यूज होती है, पर अगर आप करना चाहो तो ये रिएक्शंस भी कर सकते हो बोरेन्स के अंदर। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी बोरेन्स की। तो रिएक्टिविटी क्या है बोरेन्स की, ये ध्यान रखनी है। देखो रिएक्टिविटी में दो तीन चीज़ें ही आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो क्या ध्यान रखनी है कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो मोर रिएक्टिव है, मोर सब्स्टिट्यूटेड
एल्केन से, ठीक है। तो अगर आपको वाटर ऐड करना है, लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन पे पहले ऐड करना बजाय कि मोर सब्सटीट्यूटेड के। सपोज करो यहाँ पे ये है हमारे पास ये वाला, इसके अंदर हमने बोरेन डाल दिया, 9 BBN बोरेन का ही एक टाइप है, ठीक है। 9 BBN कुछ ऐसा होता है यहाँ पे, ऐसे ये वाली 9 BBN रिंग है, ये भी बोरेन ही है। एक ही डबल बॉन्ड पे अटैक कर सकता है, तो आपको किस पे अटैक करवाना है, इस डबल बॉन्ड पे। और यहाँ पे H2O2 भी हमने डाला है इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, तो यहाँ पे OH लग जाएगा, ठीक है। लेस सब्सटीट्यूटेड एंड पे OH लग गया, और लेस सब्सटीट्यूटेड एल्केन पे रिएक्शन हुई, तो लेस सब्सटीट्यूटेड एल्केन पहले रिएक्शन करेगी बजाय के मोर सब्सटीट्यूटेड एल्केन के। बस एक आपको ध्यान रखना है, ये वाला एक्सेप्शन है कि अगर आप इस सब्सटीट्यूटेड बोरेन का यूज करते हो, ठीक है, ये वाला बोरेन अगर आप यूज करते हो, तो ये हमेशा मोर सब्सटीट्यूटेड एल्केन पे रिएक्शन करेगा, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्केन पे रिएक्शन करेगा, ठीक है। जैसे यही वाला एग्जांपल था, तो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे OH लग जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मोर सब्सटीट्यूटेड बॉन्ड पे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, देखो एक तो हो गया लेस सब्सटीट्यूटेड, पहले रिएक्शन करेगा मोर से, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना है कि अगर ये वाला बोरेन है, तो इसमें क्या होगा, इसमें मोर सब्सटीट्यूटेड पहले रिएक्शन करेगा लेस सब्सटीट्यूटेड से, ठीक है। और नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि टर्मिनल एल्कीन, पहले रिएक्शन होगी बजाय कि इंटरनल एल्केन, इंटरनल वही बात आ गई, यही वाली बात आ गई, ठीक है। लेस सब्सटीट्यूटेड मोर सब्सटीट्यूटेड, क्योंकि अगर टर्मिनल एल्केन होगी मोनो सब्सटीट्यूटेड, और अगर इंटरनल एल्केन है तो डाई सब्सटीट्यूटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि जेड एल्केन जो है, जेड यानी कि सिस एल्केन, वो ट्रांस से या फिर ई एल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे दिखा देते हैं, ये वाली एल्कीन है, इसके अंदर अगर आप बोरेन डाल देते हो तो क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने ये कर दिया ऐसे, तो ये वाली ट्रांस एल्कीन है और ये वाली क्या है, सिस एल्कीन है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे इसमें रिएक्शन होगी, क्योंकि ये वाली क्या थी, सिस एल्कीन थी, ठीक है। तो सिस एल्कीन में पहले रिएक्शन होगी बजाय के ट्रांस एल्कीन के। अच्छा नेक्स्ट चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि अगर सेम रिएक्शन आप बोरेन में भी करा सकते हो, ठीक है, नॉर्मल बोरेन ले लिया आपने, BH3 H2O2 जो भी है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, और ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है। लेकिन अगर आप इसी के अंदर आप अगर कोई कैटलिस्ट ऐड कर देते हो, सपोज करो मैंने ये कैटलिस्ट ऐड कर दिया, ठीक है, तो इसमें फास्टर होगी रिएक्शन, फास्टर होगी रिएक्शन, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट जल्दी बनेगा और कम टेम्परेचर पर बनेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा नेक्स्ट एल्कीन जो होती है, वो देखो एक बोरेन होती है, सॉरी, उसको बोलते हैं मोनो आइसो कैम्फिनाइल बोरेन, रिप्रेजेंट करते हैं IPC PH2। ये वाली मोस्ट इफेक्टिव होती है फोर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड के लिए एंड ट्रांस एल्कीन के लिए, ठीक है। ट्रांस एल्कीन को ये और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के लिए बेस्ट रिएजेंट होते हैं ये दोनों, ठीक है। और एक और होती है, उसको बोलते हैं डाई आइसोकैम्फाइल, सेम यहाँ मोनो की जगह जस्ट डाई है, और यहाँ पे IPC2 हो जाएगा, IPC2BH, ठीक है। ये वाली मोस्ट इफेक्टिव होती है फोर सिस या फिर डाई सब्सटीट्यूटेड, या सीधा बोल सकते हो सिस डाई सब्सटीट्यूटेड एल्केन्स के लिए, ठीक है। ये वाले ध्यान रखना है कि ट्रांस
और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्केन के लिए ये मोनो आइसोकैम्फिनाइल और डाई आइसोकैम्फिनाइल मोस्ट इफेक्टिव होती है सिस या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको मान लो रिडक्शन करना है एक्चुअल में प्रैक्टिकली, तब आपको पता होना चाहिए कि ये अच्छे हैं, नहीं तो रिएक्शंस में तो सिंपल बोरेन्स आपके आएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बोरेन की हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं थैक्जाइल बोरेन, ठीक है। थैक्जाइल बोरेन, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है H2P के वाली। इसका क्या फंक्शन होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कंबाइन करती है टू एल्किन्स को, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं दो एल्किन्स को कंबाइन करने के लिए, कैसे देखो कैसे होती हैं दो एल्किन्स कंबाइन, सिंपल है एकदम। देखो यहाँ पे हमने दो एल्कीन लिए हैं, ये दो एल्कीन है, ठीक है। एक एल्कीन ये, एक एल्कीन ये, इसके अंदर हमने ये वाला ऐड कर दिया, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे एक एल्कीन पे एक हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करेगा पहले, तो देखो पहले तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो गया, एक एल्कीन यहाँ पे बच गया और एक हाइड्रोजन इसके पास है। अब दूसरा हाइड्रोजन इस पे ट्रांसफ़र कर देगा, देखो यहाँ पे ये वाला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बन गया, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, ठीक है। अब सपोज करो कि मुझे इनको जोड़ना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करके हीट कर देते हो इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो यहाँ पे दोनों के बीच कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा बेटर वे में कन्फ्यूजन ना हो ऐसे आप दिखा सकते हो, देखो यहाँ पे ऐसे जुड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप ऐड हो जाएगा, देखो ऐसे यहाँ पे क्या हो गया, कार्बोनिल ग्रुप ऐड हो गया। सेम मैनर में नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये तो इंट्रा मोलिकुलर था, ठीक है, इंट्रा मोलिकुलर हुई है रिएक्शन। अब एक्स्ट्रा इंटर मोलिकुलर भी जोड़ सकते हो दो एल्किन्स को, जैसे यहाँ पे मैंने एक एल्किन ली, यहाँ पे हमने ऐड किया थैक्जाइल बोरेन, तो यहाँ पे क्या होगा, शुरू में ये वाला बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने एक और एल्किन ऐड कर दी ये वाले, तो ये वाले एल्किन भी जुड़ जाएगी बोरेन के साथ, तो देखो ये बन गया, ये वाला बन गया। अब अगर आप यहाँ पे वही H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हीट कर देते हो, तो यहाँ पे ये पूरा पार्ट हटके कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा, देखो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप आ गया और ये सारा एज इट इज, ठीक है। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है कि सिंपल एल्कीन को भी जोड़ सकते हो एक ही मॉलिक्यूल में हो, इंट्रा मॉलिक्यूलर, और इंटर मॉलिक्यूलर भी जोड़ सकते हो कार्बोनिल ग्रुप के साथ, अगर आप वहाँ पे क्या ऐड कर दो, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड कर दो साथ में, ठीक है। अभी नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट सिंपल एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं। हाँ सपोज करो मैं ये कराता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, इसके अंदर हमने पहले तो ऐड कर दिया BH3, उसके बाद हमने ऐड कर दिया NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो यहाँ पे सिंपल पहले तो क्या बनेगा, पहले यहाँ पे BH2 लगेगा, उसके बाद BH3 की वजह से, उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड की वजह से क्या लग जाएगा, अमीन लग जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म में मत पढ़ो, सिंपल याद रख लो कि अगर ये हम करते हैं तो ये बनता है, ठीक है। अच्छा ये तो थी थैक्जाइल एल्कीन की, ठीक है। थैक्जाइल एल्कीन इसलिए दो एल्कीन को जोड़ सकते हैं क्योंकि उसके पास दो हाइड्रोजन है बोरोन पे, तो दो एल्कीन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन सपोज करो हमारे पास 9 BBN है, ठीक है, 9 BBN ये वाली थी pH, एक ही हाइड्रोजन है, तो ये हमेशा एक ही एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ ये वाला, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे अगर हमने 9 BBN डाला है, ठीक है, और उसके बाद H2O2 OH नेगेटिव, तो यहाँ पे एक ही बोरेन के एक ही एल्कीन के साथ रिएक्शन होगी, सिर्फ एक ही एल्कीन का रिडक्शन करेगी और
एक साइड में OH ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाली दो एल्किन के साथ कर सकता है, लेकिन 9-BBN एक ही एल्किन के साथ रिएक्शन करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा एप्लीकेशंस करेंगे बोरेंस के, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एप्लीकेशंस काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं और रिसर्च प्रॉब्लम्स में भी बहुत सारी, या रेफरेंस बुक्स में भी काफ़ी सारे अच्छे एग्जाम्पल्स उनमें से दिए हैं, ठीक है। तो वो सब पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।